तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मी थीम एप्लीकेशन को कैसे आप यहाँ पे सिक्योर यूज़ कर सकते हैं। और सिक्योर यूज़ करने के दौरान अगर आप प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, तो थीम का ब्लॉक वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर के द्वारा डिसेबल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे थीम को इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन यहाँ पे थीम को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसको डाउनलोड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गूगल प्ले स्टोर में वहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे ब्लॉक वाला ऑप्शन देखने को। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस थीम को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे होम स्क्रीन में जाऊँगा, और होम स्क्रीन में जाने के बाद देख सकते हैं इस थीम को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। और अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे दोबारा प्ले स्टोर में जाऊँगा, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करूँगा, और प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करता हूँ, तो स्कैन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा थीम एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी यहाँ पे हार्मफुल यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, डिसेबल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या सेटिंग किया है थीम एप्लीकेशन वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके चलते क्या होगा कि आप अपने मोबाइल को सिक्योर यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो दोस्तों इसके इसके लिए लिए सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे जाए, नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथराइजेशन एंड रिवोल्यूशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलेंगे एमएससी का, इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे रिवोक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं दोनों को यहाँ पे ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों चीज़ को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि आपके मोबाइल का जो भी डाटा होता है ये दोनों फाइल के द्वारा ही मी अकाउंट के सर्वर को यहाँ पे सेंड किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे बंद कर देना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मी अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अगर आपका यहाँ पे मी अकाउंट लॉगिन किया गया है, चाहे वो आपको मोबाइल नंबर से हो या जीमेल अकाउंट से है, तो सबसे पहले तो आप इसको साइन आउट कर ले। तो मी थीम के द्वारा जो भी डाटा शेयर किया जा रहा था वो मी अकाउंट के द्वारा ही यहाँ पे सर्वर में सेंड किया जा रहा था, तो आपको मी अकाउंट को यहाँ पे लॉग आउट कर लेना है। ये दो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मी थीम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप करें, और टैप करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक अपडेट का, इसको आपको ऑफ कर देना है। शो एड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑफ कर देना है। और एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा पर्सनलाइजेशन वाला, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। तो जो भी डाटा यहाँ पे शेयर किया जाता है इसके द्वारा ही शेयर किया जाता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे बंद कर देना है। ये तीन चीज़ को आपको यहाँ पे बंद कर देना है। ये बंद करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद थीम एप्लीकेशन पे टैप करके रखना है। और टैप करने के बाद ऐप्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, और ऐप्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऐप्स परमिशन पे क्लिक करते हैं आपको एक फाइल एंड मीडिया वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करें, और ये आपका अलाउ होना चाहिए। उसके अलावा अगर और भी कोई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो उसको आपको यहाँ पे बंद कर देना है, वहाँ पे आपको डोंट अलाउ कर देना है। सिर्फ आपको यहाँ पे फाइल एंड मीडिया वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। इसको कैसे चेक करना है, तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करें, और थ्री डॉट पे क्लिक करने में ऑल परमिशन पे जैसे आप यहाँ पे जाइएगा तो जो भी आपका यहाँ पे अलाउ किया रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ फाइल एंड मीडिया अलाउ किया गया है। अगर आपका यहाँ पे कैमरा अलाउ किया गया है या फोन कॉन्टेक्ट अलाउ है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपने थीम जो एप्लीकेशन है इसका क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कर देना है, और उसका परमिशन आपको अलाउ नहीं करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी सेवर का। इस बैटरी सेवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको रिस्ट्रिक्शन बैकग्राउंड एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा फायदा कि ये एप्लीकेशन जब आप यहाँ पे यूज़ नहीं कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। आप यहाँ पे थीम को अप्लाई कर सकते हैं पर ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपका डाटा यहाँ पे नहीं लेगा। तो आपको रिस्ट्रिक्शन बैकग्राउंड एक्टिविटी ये कर लेना है।
ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आपको जाना है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में, और सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाटा यूजेस का, इस पर आप टैप करें और टैप करने के बाद रिस्ट्रिक्शन डाटा यूजेस पे जाए। देन आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे जाना है, और थ्री डॉट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड कनेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन आपको मिलेगा MSA का, इसका बैकग्राउंड कनेक्शन यहाँ पे बंद कर देना है। तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल यहाँ पे लॉक किया हुआ रहता है फिर भी ये जितने भी एप्लीकेशन इनेबल किए गए हैं ये बैकग्राउंड में आपका डाटा को यहाँ पे शेयर करते हैं, और इसमें जो MSA है ये MSA के द्वारा ही मी अकाउंट जो सर्वर होता है उस मी अकाउंट सर्वर में वहाँ पर सेंड किया जाता है। तो बैकग्राउंड कनेक्शन को ये बंद कर देना। बस दोस्तों आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे थीम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे स्कैन कीजिएगा तो मी थीम का कोई भी यहाँ पे हार्मफुल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मी थीम एप्लीकेशन को सिक्योर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।